हाय गाइस, आज हम मनी प्लांट, मैंने एक पॉट में से तीन पॉट कैसे ग्रो किए वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक पॉट लाई थी मैं पहले, फिर उसमें से मैंने तीन पॉट में मनी प्लांट ग्रो किए हैं। पहले जो पॉट लाई थी उसमें से मैंने एक डंडी निकाल दी थी मनी प्लांट की काट के, और फिर उसको मैंने पानी की बॉटल में रख दिया था। तो 15-20 दिन में उसमें अच्छे से रूट आ गए, और फिर हम उसको अब जो पॉट है उसके अंदर मिट्टी के अंदर उसको रख देंगे, तो वापस से वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। पहले मैंने हाथ में ग्लोव्स पहन लिए क्योंकि नाखून मेरे बड़े हैं तो उसमें मिट्टी ना जाए, इसलिए अभी जो बॉटल पानी की बॉटल में जो मनी प्लांट है उसकी एक डंडी में अच्छे से ग्रो हो गया है मनी प्लांट, सब रूट्स निकल आए हैं बाहर। तो हम उसको निकाल के अब जो मिट्टी वाला है पॉट उसमें हम उसको रख देंगे, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। थोड़ी माटी मैंने ऐसे एक पॉइंटेड ले लिया है, स्टील या कुछ भी आपके पास हो उससे अच्छे से उसको माटी को ऊपर नीचे कर दीजिए, और लकड़ी का हो तो भी अच्छा है। और फिर उसको मैंने हाथ से ऐसे खड्डा करके जो मैंने वो जो प्लांट ग्रो किया था एक डंडी पानी के बॉटल में उसको इसके अंदर हम दबा देंगे, तो ये पॉट में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये इतनी अच्छी इसकी रूट्स निकल आई है 15-20 दिन में। अब हम इसको अंदर ये पॉट में ग्रो करने के, मनी प्लान वैसे भी वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। हाँ, मनी प्लांट, उसका नाम ही मनी प्लांट है कि घर में मनी आता है ऐसा। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट ग्रो करना, तो मैंने एक ही पॉट में से तीन पॉट बनाए। मैं आपको दो है वो भी दूसरे दिखाती हूँ। ये अभी हम इसको अच्छे से ग्रो कर देंगे, सब मिट्टी में डाल के। हाँ, तो अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा, चिपक जाएगा मिट्टी में, और ये अभी बारिश के मौसम भी चल रही है तो अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। मेरी बालकनी में बारिश नहीं आती लेकिन मैं उसको रोज़ एक टाइम अच्छे से पानी देती हूँ, तो ये बहुत अच्छा हो गया है। अभी उसको, इसकी जो लीव्स है उसको भी मुझे साफ़ करने हैं, अच्छे से सफाई करनी है, तो मैं पानी से उसको अच्छे से फिर साफ़ कर दूँगी। अभी हमने जो ग्रो किया प्लांट तो हम उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। इसके अंदर आप वास्तु के हिसाब से कॉइन भी रख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट के जो पॉट होता है उसमें ही कॉइन रखने से ज़्यादा मनी आते हैं। हाँ, और ये पानी की जो बॉटल है उसमें वापस से मैंने पानी भर दिया, और एक अलग से जो दूसरी मैंने जो काटी है डंडी मनी प्लांट की उसको हम अब इसमें रख देंगे, तो 10-15 दिन में इसमें भी रूट आ जाएंगे। तो वापस से आप इसको दूसरे पॉट में भी रख सकते हो, दूसरा अगर पॉट करना है तो अच्छे से हो जाता है। मेरे पास ये अच्छी है बॉटल तो मैंने इसमें रख दिया है, और अच्छी ग्रो भी हो जाती है। अब मैं आपको बालकनी में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ग्रो किया है। मेरे पास ये मनी प्लांट के ही प्लांट है सब, ये देखे एक हैंगिंग वाला है कितना अच्छा ग्रो हुआ है, देखिए आप, बहुत ही अच्छा ग्रो हो गया है मनी प्लांट मेरा। और ये दो पॉट मैंने उसमें से ही डंडी निकाल के ये दो पॉट तैयार किए हैं, और अच्छे से पानी में रख के पहले बॉटल में, फिर ग्रो हुए तो फिर मैंने इसमें रख दिए हैं। बहुत अच्छा हुआ है मनी प्लांट मेरा, और एकदम बालकनी इतनी अच्छी लगती है। ऐसे हैंगिंग वाला है एक, और दो पॉट वाले हैं। अब जो बॉटल में मैंने किया है उसको हम विंडो पे रख देंगे ऐसे, तो ये 10-15 दिन में आप कहीं पे भी रख सकते हो तो अच्छे से उसके भी रूट आ जाएंगे, ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और आप इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हो,
और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, और उसका नाम ही मनी प्लांट है, तो वेरी नाइस लुकिंग। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।